हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर के मन में इस वक्त क्या चल रहा है। गाइस, जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो उतने लीजिएगा। टाइमलेस रीडिंग है, जब आप इसे देख रहे होंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। एंड गाइस, मैं कार्ड्स अपराइट ही लूँगी। लेके प्रभु का नाम, इस वक्त आपके पार्टनर के मन में आपको लेके क्या चल रहा है? ओके, एट ऑफ वॉन्ट्स, क्लियर मैसेज आया है। आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए तो ट्रैवलिंग भी दिख रही है, कुछ लोगों के लिए तो उनके पार्टनर उनसे मिलना चाहते हैं, मिलने का प्लान कर रहे हैं। बट कुछ बहुत से लोगों के लिए तो यहाँ पे मेरे व्यूवर्स हैं, उनके लिए ये मैसेज है कि आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा बेचैन है वो आपसे बात करने के, उनके मन में चल रहा है कि वो आपसे बात करें, वो आपसे कांटेक्ट करें। अगर आप नो कांटेक्ट जोन में हैं, आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं। आपके पार्टनर फाइनेंशली इश्यूज उनके लाइफ में चल रहे हैं, जो फाइनेंस को लेके बहुत अप्स डाउन आपके पार्टनर की लाइफ में चल रहे हैं इस वक्त। कोई फाइनेंस फॉल आपके पार्टनर फेस कर रहे हैं इस वक्त, बहुत लोनली फील कर रहे हैं और इनका मन कर रहा है कि वो आपसे बात करें। बट अभी वो करेज इनके अंदर नहीं है कि वो अपने नेगेटिव थॉट से बाहर निकल के आपको अप्रोच कर सके। क्योंकि यहाँ पे आप देखिए, इस इंसान के पास चाबी भी है और ये लॉक भी है, चाहे तो ये इसे खोल सकता है बट ये खोल नहीं रहा। अपने ही थॉट्स में घिरा हुआ है और लोनली बैठा हुआ है। सो ये सिचुएशन आपके पार्टनर की है, चाहे तो इस वक्त एट दिस मोमेंट आपको वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं बट नहीं कर रहे, क्योंकि उनके माइंड्स में बहुत ज़्यादा थॉट्स चल रहे हैं। कंटिन्यूसली वो सोचते जा रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो करते करते ही रह जाते हैं। नेक्स्ट, इस वक्त उनके मन में और क्या चल रहा है आपको लेके? आपको लेके बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं आपके पार्टनर के अंदर, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रखे हैं आपको लेके, बहुत ज़्यादा उनके इमोशंस सरफेस पे हैं। मैं यहाँ तक कहूँगी कि कुछ लोगों के लिए तो उनके जो पार्टनर हैं वो रोते भी हैं, रो रहे हैं उनको याद करके। ये आप ऐसे समझो, इमोशंस में बह रहे हैं, डूबे हुए हैं आपके ख्यालों में, एनी टाइम आपके बारे में सोचते रहते हैं, ओवर थिंकिंग चल रही है, आपको भूल नहीं पा रहे, आपको बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं अपने अंदर, बट समझ में नहीं आ रहा कि करें क्या। नेक्स्ट गाइज, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा पेन में है, मैं कहूँगी बहुत ही ज़्यादा पेन में है। आपके पार्टनर को हो सकता है रिसेंटली किसी ने बैकस्टेप किया है, एक धोखे वाली फीलिंग्स आपके पार्टनर फेस कर रहे हैं, किसी ने उनको बैकस्टेप किया हो सकता है। बट ये मैं डेफिनेटली कहूँगी कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा पेन में है, दे रियली नीड यू, उनको ज़रूरत है आपकी, बट वो किस मुँह से बोले। हो सकता है पास्ट में आपके बीच ऐसे सरकमस्टेंसेस रहे हैं कि अब ऐसे सिचुएशन बन गई आप दोनों के बीच कि वो क्या मुँह लेके आपसे अपनी सिचुएशन को शेयर करे। बट आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा पेन में है इस वक्त, बहुत ही ज़्यादा पेन में है, बहुत लोनली फील कर रहे हैं। आप उनकी विश फुलफिलमेंट है, उनकी एक विश है आपके साथ रहना, उनकी एक विश है आपको अपनी लाइफ में लेके आना, उनकी विश है। आप जब इनकी लाइफ में आए तो इनको ऐसा फील हुआ कि इनकी एक विश पूरी हुई है, और जैसे ही आप गए जैसे इनकी लाइफ हेल हो चुकी है, ऐसा वो इस वक्त इनके मन में चल रहा है कि जब आप थे तब ये कितने खुश थे और जैसे ही आप इनकी लाइफ से गए सब कुछ कैसे मैस हो गया। नेक्स्ट, फाइव ऑफ कप्स, डेफिनेटली इनको रिग्रेट है पास्ट के एक्शंस को लेके, इनको रिग्रेट है पास्ट में आप दोनों के बीच जो भी हुआ, जो भी इनकी मिस्टेक्स थी, इनको रियलाइज़ हो रही है, इनको अपनी मिस्टेक रियलाइज़ हो रही है, इनको ये कनेक्शन की वर्थ रियलाइज़ हो रही है, और बहुत ज़्यादा रिग्रेट है आपके पार्टनर को, बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील कर रहे हैं, इनके अंदर रिग्रेटिंग वाली फीलिंग है इस वक्त चल रही है कि पास्ट में ऐसा क्यों हुआ, इन्होंने ऐसा डिसीज़न क्यों लिया या फिर ऐसा एक्शन क्यों लिया जो इनको नहीं लेना था और जिसको लेके ये बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हैं। एंड लास्ट, एक और देख लेते हैं आपके पार्टनर के मन में इस वक्त क्या चल रहा है। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स, आपके पार्टनर
एक न्यू स्टार्ट चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। अगर आप नो कॉन्टैक्ट जोन में हैं तो आपके पार्टनर आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, आपके ये पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप में न्यू स्टार्ट चाहते हैं। और कुछ लोगों के लिए मैंने पहले बोल दिया था, यहाँ पे ट्रैवलिंग दिख रही है कुछ लोगों के लिए, कुछ व्यूअर्स के लिए तो ये है कि आपके पार्टनर डायरेक्ट आपसे मिलने ही आएंगे। सो आपके पार्टनर आपसे मिलने का सोच रहे हैं। चलिए उनकी तरफ से एक सॉन्ग देख लेते हैं उनकी फीलिंग्स को लेके। ये सॉन्ग आपको ज़रूर सुनना है, इससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि उनके मन में आपको लेके क्या चल रहा है। डू यू नो, ये दिलजीत दोसांझ जी का सॉन्ग है। डू यू नो मैं तैनू किन्ना प्यार करदा, डू यू नो। सो अगर आपको नहीं पता है तो ये सॉन्ग ज़रूर सुनिएगा, आपको पता लग जाएगा आपके पार्टनर की फीलिंग्स, आप उनकी फीलिंग्स, उनका दर्द फील कर पाएंगे। आपको ये सॉन्ग ज़रूर सुनना है आफ्टर दिस रीडिंग। सो गाइस ये थी छोटी सी रीडिंग, होप आपसे रेजोनेट की है। अगर रेजोनेट किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय सिया राम।